हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष दुबे स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट। मैं आपको बताऊँगा एम्पलीफायर के बारे में, उसके इंटरनल पार्ट्स को मैं आपको शो करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको दिखाऊँगा एम्पलीफायर के इंटरनल पार्ट्स को, अंदर में क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं। ये ब्लूटूथ एम्पलीफायर है, ब्लूटूथ एम्पलीफायर। इसमें डबल आईसी लगा हुआ है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, डबल आईसी इसमें लगा हुआ है। इसका फ्रंट को देख सकते हैं आप, वॉल्यूम बटन इसके अंदर वॉल्यूम का दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, टर्बल का दिया हुआ है। ये सब बटन इसमें कनेक्ट है। इसमें आप यूएसबी कनेक्ट कर सकते हैं, यूएसबी या डाटा केबल से भी कनेक्ट करके इसको बजा सकते हैं आप। ये मेमोरी कार्ड के लिए दिया हुआ है, ये जैक दिया हुआ है, आप मोबाइल से भी कनेक्ट करके इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये वॉल्यूम बटन दिया हुआ है, पुश बटन दिया हुआ है, मोड है, इसमें बहुत सारा मोड है, ब्लूटूथ मोड है, बहुत सारा इसमें मोड है। ब्लूटूथ स्पीकर है ये, 1100 वाट मॉडल नंबर। ये दो बटन दिया हुआ है, पावर बटन है, एक FM के लिए है, ये FM बटन है, हो गया। ये पावर कटअप बटन है, ये पुश बटन इसको बोला जाता है, दोनों को इसे पुश करने पे लॉक हो जाता है, देख सकते हैं आप, इसीलिए इसका नाम है पुश बटन दोनों का। एक रेड कलर में है, एक ब्लैक कलर में है। इसका ये दो हैंडल दिया हुआ है, इसको आप कैरी कर सकते हैं। इसके बैक में देखते हैं, ये FM के लिए वायर दिया हुआ है, इसको आप FM से कनेक्ट कर सकते हैं, ये वायर है FM के लिए। इसमें आप AC DC कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें ये दोनों से ऑपरेट हो जाएगा, AC करंट से भी और DC करंट से भी ऑपरेट हो जाएगा। ये जैक दिया हुआ, इसको आप सिस्टम के थ्रू भी बजा सकते हैं। ये आउटपुट है, यहाँ आप स्पीकर, दो स्पीकर इसमें आप लगा सकते हैं, दो जैक दिया हुआ इसमें, देख सकते हैं आप अच्छे से। इसके फ्रंट को भी देख सकते हैं आप। चलिए आप इसके अंदर के पार्ट्स को ओपन करते हैं, साइड से देख सकते हैं, दो स्क्रू दिया हुआ साइड में। चलिए इसको ओपन करते हैं, इसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में जानेंगे कुछ। चलिए ये ओपन हो चुका है, इसके कवर को ओपन करते हैं। ये कवर है इसका, इसको साइड में रखते हैं, देख सकते हैं इसके इंटरनल पार्ट्स को, क्या क्या अंदर में पार्ट्स दिया हुआ है। ये जो ब्लू कलर का है, इसको कैपेसिटर बोला जाता है। टोटल ये जितना भी ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये सब कैपेसिटर है। इसको हम लोग इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि ये करंट को स्टोर करके रखता है, ये एक तरह से ये स्टोरेज डिवाइस हो गया जो करंट को स्टोर करके रखता है। एक छोटा छोटा डायोड लगा हुआ है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, देख सकते हैं आप, ब्राउन कलर में जितना है ये डायोड इसको बोला जाता है, क्योंकि ये DC पे वर्क करता है। इसमें छोटा छोटा LED बल्ब दिया हुआ है जो DC पे वर्क करता है, इसीलिए हम लोग इसको 220 सप्लाई देते हैं, यहाँ से 220 AC बोल्ट सप्लाई देते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के थ्रू ये इन करता है और ये डायोड इसको DC में कन्वर्ट कर देता है, देख सकते हैं आप। सब इसके इंटरनल पार्ट्स को देख सकते हैं, कितना सारा डायोड लगा हुआ है। ये हो गया USB कनेक्टर, यहाँ पर USB कनेक्ट रहता है। ये वायर दिया हुआ है बेस के लिए, जो बेस के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग। यहाँ दो IC दिया हुआ देख सकते हैं आप, एडवांस टेक्नोलॉजी है ये, दो IC इसमें दिया हुआ। एक IC को ख़राब होने से भी ये वर्क करेगा, एक IC पर भी वर्क करता है ये। ये ट्रांसफार्मर हो गया इसका, ट्रांसफार्मर के अंदर के पार्ट्स को देख सकते हैं, ये इन है, ये आउट है, यहाँ से ये आउट होता है, देख सकते हैं आप अच्छे से। देखिए पूरी तरह से आप देख सकते हैं इसके इंटरनल पार्ट्स को, क्या क्या इसके अंदर में पार्ट्स दिया हुआ है।
ये जो रेड कलर का है इसको पीएफ बोला जाता है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है पीएफ। ये बेस बटन है, ये रोटेटरी स्विच है जो ये रोटेट करता है, इसको रोटेट करके लेफ्ट राइट रोटेट करने से ये बलून बढ़ता है घटता है, देख सकते हैं। यहाँ से 220 इन होता है ट्रांसफार्मर के थ्रू, ये 220 इन जाता है, फिर ये डायोड में जाता है, डायोड ये इसको एसी से डीसी कन्वर्ट करके सबको सप्लाई करता है, क्योंकि ये डीसी पर ही वर्क करता है, देख सकते हैं। ये आउटपुट हो गया, यहाँ से आप इसको आउटपुट दे सकते हैं। तो चलिए इसको आप पैक करते हैं, जैसे इसको ओपन किए थे बस उसी तरह इसको आप अच्छे से रख के पैक कर सकते हैं, साइड में स्क्रू आप लगा सकते हैं, इसके चार साइड में स्क्रू दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से लगा दीजिए, देख सकते हैं। कवर को देख सकते हैं आप अच्छे से, ब्लूटूथ एम्पलीफायर स्पेशली फॉर सीडी डीवीडी प्लेयर्स, आप किसी से भी इसको प्ले कर सकते हैं। डबल आईसी 4440 कोड है इसका, और डबल आईसी हो गया ये। इसके फ्रंट को देख सकते हैं आप, न्यू स्टार कंपनी FM। चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थैंक यू।